सिद्धपीठ काली मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्री श्री 108 सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को 751 भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के बीच हर तरफ भक्ति का माहौल के साथ हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला और कुंवारी कन्या के द्वारा माथे पर कलश लेकर पाथरोल काली मंदिर से निकलकर बंदर चौक, इतवारी चौक, रूपाबाद, मटियारा व पनियारा होते हुए चोरमारा नदी तट पर पहुंची, जहां वाराणसी से आए आचार्यों दिलीप पांडे की मौजूदगी में मुख्य यजमान गुड्डू पांडे व उनकी पत्नी पूनम देवी को पूजा अर्चना के उपरांत कलश में जल भराया गया। यहां से यात्रा पुनः मंदिर परिसर में पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश की स्थापना हुई। मंदिर परिसर में महायज्ञ कार्यक्रम के आयोजकों व श्रद्धालुओं की ओर से भव्य सजावट की गई, जबकि संध्या में वाराणसी व वृंदावन धाम के आए प्रवचनकर्ता के द्वारा प्रवचन करेंगे, जबकि रात्रि में भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं 20 मई को पूर्णाहुति के साथ 9 दिवसीय महायज्ञ का समापन होगा। वृंदावन धाम से आए कथाव्यास श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज के द्वारा आज से लेकर 19 मई तक प्रत्येक दिन संध्या 6 बजे से संगीतमय भागवत कथा का प्रवचन करेंगे। वहीं 14 मई को भजन गायक मिंटू शावरिया, 15 को गायिका पल्लवी झा, 16 मई को डिंपल भूमि, 17 मई को सुदेश सिंह, 18 मई को गौतम दास, 19 मई को कोलकाता से आए भजन सम्राट शुभम भास्कर व उनकी टीम के द्वारा अलौकिक झांकी प्रस्तुत करेंगे, जबकि महायज्ञ के अंतिम दिन 20 मई को भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका देवी के भजन संध्या कार्यक्रम से भक्त भाव विभोर होंगे।